प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया है, तब से काला धन रखने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ये भ्रष्ट लोग अपने काले धन को सफेद बनाने के लिए तमाम जुगत में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में काले धन वालों ने दिल्ली की लोकल बस सर्विस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी DTC पर भी अपना पासा फेंका है। दिल्ली परिवहन निगम यानी DTC में नोटबंदी के दौरान 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला सामने आया है। 9 से 19 नवंबर तक DTC कंडक्टर ने मनाही के बावजूद 500 और 1000 के नोट यात्रियों से लेकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए। दिल्ली सरकार को शक है कि असल में यात्रियों ने तो वैध नोट ही कंडक्टर को दिए होंगे, लेकिन ये कंडक्टर या DTC अधिकारियों का काला धन हो सकता है जो मिलीभगत से सरकारी खजाने में जमा कर दिए गए। जब दिल्ली सरकार को शक हुआ तो उसने 19 नवंबर को इस मामले की जांच बैठा दी। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि DTC के 40 में से 20 डिपो से बैंकों में टिकट कलेक्शन के नाम पर 500 और 1000 के अवैध नोट जमा हुए। इनमें 1000 रुपए के कुल 33,647 नोट और 500 रुपए के 95,677 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 8,14,85,500 रुपए है। हालांकि खुद सरकार मानती है कि सिर्फ कंडक्टर इस तरह से काला धन सरकारी खजाने में जमा नहीं करा सकते, क्योंकि कंडक्टर यात्रियों से किराए का पैसा वसूल जरूर करता है, लेकिन इसके बाद कैशियर, डिपो मैनेजर और अकाउंट विभाग की भी इसमें भूमिका होती है। दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने मामला ACB को सौंपने के आदेश दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई इस घोटाले के पीछे के असली जिम्मेदार लोगों का चेहरा सामने आ पाएगा, और आखिर कैसे एक बस कंडक्टर इतनी बड़ी रकम को ब्लैक से व्हाइट मनी में तब्दील कराने की हिम्मत जुटा सकता है। कहीं इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं? NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।